हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीडी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज आर्टिकल्स। तो बच्चों, आर्टिकल्स क्या होते हैं? कल इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस, आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, एक इंडेफिनेट होते हैं और एक डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। क्लियर? इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, जैसे हमने पीछे जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, और डेफिनेट आर्टिकल होता है आपके द। क्लियर? तो आर्टिकल्स जो हमने पढ़ा था, इंडेफिनेट होते हैं और एक डेफिनेट होते हैं। इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? अनिश्चित। अगर हम किसी अनिश्चित इंडेफिनेट थिंग की बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स हमेशा कहाँ यूज करते हैं? बिफोर नाउन। नाउन क्या होते हैं बच्चों? संज्ञा। राइट? हिंदी में भी पढ़ा होगा आपने, नाउन क्या होता है। राइट? तो नाउन के आगे हम जो यूज करते हैं, दैट इज योर आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स ऑलवेज यूज बिफोर नाउन। नाउन से पहले हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और टेल मोर अबाउट द नाउन, और वी यूज इट बिफोर नाउन। संज्ञा से पहले यूज करते हैं। तो ए और एन क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल्स, और डेफिनेट आर्टिकल इज योर द। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ अनिश्चित। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? अनिश्चित। राइट? डेफिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? निश्चित। अगर हम किसी निश्चित थिंग की बात करते हैं, इन दैट केस यू हैव टू यूज द। क्लियर? ए, यहाँ पे क्या है बच्चों? एक पैन है, तो हम क्या बोलेंगे? अ पैन। द अर्थ, क्योंकि हम पर्टिकुलर अर्थ की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? द अर्थ। तो ये हमारे क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। एन एप्पल, कोई भी एप्पल हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या है? इनडेफिनेट है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? एन एप्पल। राइट? तो बच्चों, इससे पहले हमने जो है इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस करा था डिफरेंस बिटवीन ए और एन। तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि ए बी सी डी, ए टू जेड तक कितने बच्चों को आता है? हैंड रेस करके बताएं, हैंड रेस करके बताओ बच्चों। ए बी सी डी किसको कितने? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हैंड डाउन कर लो, अपने हैंड डाउन कर लो बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब कौन सा बच्चा बताएगा कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? एक बच्चा माइक लेके ये बताए कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। टेक द माइक। वेरी गुड, जी आई सी बागवाला। यस, टोटल ए टू जेड कितने होते हैं ये बताएंगे। यस, व्हाट इज योर नेम बेटा? माय नेम इज अमन यादव। अमन यादव, अमन यादव, ए टू जेड कितने लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स? 26। वेरी गुड। वॉवल्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। वेरी गुड। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? क्या मैम? कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? व्यंजन, हिंदी में व्यंजन बोलते हैं ना, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 26। तो आपके ए टू जेड तक पूरे लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। अब उसमें से 5 निकाल देंगे आप, 5 आपने बोला वॉवल्स होते हैं, तो कितने बचे बेटा? 26 में से 5 माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 21। वेरी गुड। तो 21 क्या होते हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट होते हैं। नाम क्या बोला बच्चे? अमन यादव। वेरी गुड अमन यादव, सारे बच्चे इसी तरह से जवाब देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सिट डाउन बेटा। अमन यादव, टेक योर सीट। वेरी गुड। तो बच्चों 21, जैसे अभी अमन ने बताया है जी आई सी बागवाला से कि हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, और जिसमें से 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 आपके वॉवल्स होते हैं। वेरी गुड अमन। अब हमने क्या बोला है? आपको साउंड देखना है। सारे बच्चे ध्यान से देखें, अभी तुम्हारा नंबर आएगा। नेक्स्ट इज योर नंबर। राइट? तो ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं? आपको क्या देखना है बच्चों? साउंड देखना है, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, चाहे आपका जो वर्ड है बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट,
या वॉवल से शुरू होता है, जैसे अभी अमन ने बताया ए आई ओ यू क्या है बच्चों, आपके वॉवल हैं। रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स क्या होते हैं, आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, राइट। चाहे आपका वर्ड किसी से भी शुरू हो, चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू हो, चाहे वॉवल से शुरू हो, बट आपको क्या देखना है बच्चों, उसका स्वर देखना है, साउंड देखना है, क्लियर। अब कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों, बी सी डी जितने भी बच गए आपके, अगर हम इसमें से ए राइट ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू को अगर हम स्किप कर देते हैं 26 में से हटा देंगे, तो ये क्या है आपके बच्चों, कॉन्सोनेंट है, और ये क्या है आपके वॉवल्स हैं, क्लियर। अब बॉय, अब बी क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट, जी क्या है आपका कॉन्सोनेंट, सारे बच्चे फोकस करें, पी इज योर कॉन्सोनेंट, बी डी टी राइट। अभी हमने क्या बोला बच्चों यहाँ पे, कि कोई भी अगर वॉवल से शुरू है, चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू है, बट आपको क्या देखना है बच्चों, साउंड देखना है। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी यूनिट, तो यू क्या है आपका बच्चों, वॉवल है, बट यहाँ पे हम एन यूनिट नहीं लिखेंगे, सारे बच्चे ध्यान रखें, यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है बच्चों, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अ यूनिट, अ यूनिफॉर्म। आपको क्या देखना है, साउंड देखना है। कई बार बच्चे कहते हैं भाई नहीं यहाँ पे तो यू से शुरू हुआ है, हम तो यहाँ पे एन लिखेंगे, बट दैट इज योर नॉट राइट। आपको क्या करना है, साउंड देखना है, क्या देखना है बच्चों, साउंड, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एन इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद ए वॉवल साउंड, अब वॉवल साउंड से ए ई आई ओ यू, ये क्या है आपके वॉवल हैं, क्लियर। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों, सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पे, एन अम्ब्रेला यू इज योर वॉवल, एलिफेंट एन एलिफेंट ई इज योर वॉवल, एन एप्पल ए इज योर वॉवल, ऑर्फिन ओ ऑफ वॉवल, ए इज योर वॉवल, बट अगर मैं लिखूंगी यहाँ पे आर, क्लियर बच्चों, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान दें, तो यहाँ पे एच का जो है प्रोनंसिएशन नहीं हो रहा है, एच क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड। तो जहां पे बच्चों वॉवल साउंड आता है वहां पे हम क्या लगाते हैं, एन, तो आर के आगे क्या लगाएंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एन आर। तो आपको क्या ध्यान देना है बच्चों, कि अगर कोई भी वर्ड किससे बिगनिंग हो रहा है, चाहे वो वॉवल से बिगनिंग हो रहा है, चाहे कॉन्सोनेंट से बिगिन हो रहा है, आपको क्या करना है, उसका साउंड देखना है, क्लियर, कि साउंड कैसा आ रहा है। अगर वहां पे जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया आर, तो एच इज साइलेंट, प्रोनंसिएशन किस साउंड किसका आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, एंड ओ इज योर वॉवल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट बॉय, क्लियर। तो हॉनेस्ट नहीं होता बच्चों, एच साइलेंट रहता है, हावर नहीं होता है, कई बार बच्चे पढ़ते हैं ना हावर, तो इट्स नॉट हार इट्स आर, राइट, एन आर। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि ये क्या है हमारे, सॉरी कॉन्सोनेंट है, बट हम यहाँ पे क्या यूज करें, एन यूज करें, क्योंकि साउंड किसका आ रहा है बच्चों, वॉवल का साउंड आ रहा है, क्लियर। ए यंग बॉय, ए हाउस, अ यूजफुल बुक, जहां पे समझ में नहीं आएगा आप लोग हैंड रेस करके उसी समय पूछेंगे, क्लियर। ए और एन कहाँ यूज करते हैं, एक तो हम सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं, क्लियर, किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सिंगुलर नाउन के आगे, जैसे अभी हमने बताया ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं, बिफोर नाउन, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नाउन के लिए, अगर हम बोलेंगे अ बनाना या एन एप्पल, तो हम कितने एप्पल्स की बात कर रहे हैं बच्चों, एक एप्पल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, एन एप्पल। अ बनाना कहेंगे तो कितने बनाना की बात कर रहे हैं हम, ओनली वन, राइट। तो ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर ए सिंगुलर नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, एन आर्टिस्ट, अ डॉक्टर, अ बॉय, अ डॉग, एन अम्ब्रेला, क्लियर।
Similarly, an is used before singular noun. It is not used for plural noun. अगर आप लिखेंगे books या apples तो आप an लिखेंगे बच्चों? नहीं लिखेंगे क्योंकि हम plural के लिए a और an को नहीं use करते. A और an कहाँ use करते हैं बच्चों? Only for singular noun. For example, बहुवचन. हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? बहुवचन. A book is correct. A books is wrong. This is your wrong. This is your wrong. अब books नहीं होता है तो सारे बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि a और an हम कहाँ use करते हैं? One thing के लिए. Clear? Singular के लिए. Next है what और such. कोई भी अगर हमें sudden feelings आती है, कई बार होता है ना आप लोग कहते हैं oh, ouch या कोई भी scene देख के जो है surprise हो जाते हैं, sudden feelings आती है, उनको क्या बोलते हैं हम? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं, राइट? तो अगर हम बोल रहे हैं किसी सीन को व्हाट अ सीन, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज कर रहे हैं? ए और एन को यूज कर रहे हैं. तो ये वाला साइन किसका होता है बच्चों? एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है. क्लियर? तो जहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो इट मीन सेंटेंस कैसे हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं. व्हाट ए लवली बॉय, सच अ बिग हाउस. सिमिलरली ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं? फॉर प्रोफेशंस. प्रोफेशन क्या होते हैं? सपोज आपके फादर क्या है? डॉक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज द डॉक्टर, राइट? ही इज द टीचर. तो कोई भी प्रोफेशन होता है उसके आगे भी हम क्या लगाते हैं? ए और एन को यूज करते हैं. क्लियर? शी इज ए टीचर, ही इज एन इंजीनियर. अगर आपके पापा इंजीनियर हैं तो आप क्या बोलेंगे? माय फादर इज एन इंजीनियर. क्या बोलोगे बच्चों? माय फादर इज एन इंजीनियर. अगर आपके ब्रदर जो हैं डॉक्टर हैं तो क्या बोलोगे आप? माय ब्रदर इज ए डॉक्टर. माय मदर इज अ टीचर, राइट? तो कोई भी प्रोफेशन होता है तो उसके आगे भी हम ए और एन लगाते हैं. ही इज एन एक्टर, राइट? ए एंड एन इज यूज बिफोर ए वर्ब विच इज यूज ए नाउन इन अ सेंटेंस. वी गो फॉर ए वॉक. अब वॉक क्या है आपका? वर्ब है, बट यहाँ पे हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम कहाँ यूज करते हैं? बिफोर नाउन. बट अगर आपका वर्ब जो है यूज एज अ नाउन, देन इट इज कॉल्ड, देन वी यूज A or an. Clear? We had a long discussion to have a bath. Similarly, adjective. कई बार हम adjective use करते हैं ना before noun. Adjective क्या होते हैं बच्चों, पता है किसी को? विशेषता. जब noun को कोई जो है describe करता है कोई word. अभी हम parts of speech पढ़ेंगे तो आप detail में पढ़ेंगे. तो adjective comes before a singular noun. अगर कोई singular noun होता है one, जैसे यहाँ पे क्या है? गर्ल के बारे में. तो गर्ल क्या है आपका? नाउन. अब गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है. तो ब्यूटीफुल क्या है बच्चों? आपका एट्रैक्टिव. हिंदी में क्या बोलते हैं आप? विशेषण. क्लियर? तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज करा है? क्योंकि हम एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसी है? सुंदर है. क्लियर? ही इज नॉट ए गुड पर्सन. सिमिलरली ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. क्लियर? तो एन इंटेलिजेंट. तो इंटेलिजेंट क्या है आपका? एडजेक्टिव. नाउन क्या है आपका? बॉय. ही इज एन ऑनेस्ट मिनिस्टर. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? एच इज योर साइलेंट साउंड देखना है आपको और ए और एन को यूज करना है, चाहे नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव यूज हो रहा है. क्लियर बच्चों? तो एडजेक्टिव बताए बच्चों आपको क्या क्या होते हैं एडजेक्टिव? कितने बच्चों को आता है एडजेक्टिव? अगर मैं बोलूंगी ही इज द गुड बॉय, तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा है और नाउन कौन सा है? कौन बच्चा बताएगा? ही इज अ गुड बॉय या ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय? अब ध्यान से देखो यहाँ पे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट किया था हमारा कि एडजेक्टिव कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन. अगर जैसे सपोज यहाँ पे सेंटेंस है ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, तो सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पे. अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं. क्लियर? ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है? तो बच्चों इंटेलिजेंट बॉय. बॉय क्या है आपका? नाउन. क्लियर? अब नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहे हैं? इंटेलिजेंट. तो
तो इंटेलिजेंट क्या है आपका? एडजेक्टिव. अब आई क्या है बच्चों? आपका वॉवल है, राइट. इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा है? एन इंटेलिजेंट बॉय, राइट. तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, पॉइंट क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट या रूल, इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन, तो दिस इज योर सिंगुलर नाउन, और इससे पहले क्या आया है आपका? एडजेक्टिव. तो आप क्या लगाएंगे? अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप क्या लगाएंगे? वॉवल साउंड है तो क्या लगाएंगे? एन. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ये वॉवल है, दैट इज वाई यहाँ पे वॉवल साउंड आ रहा है. इंटेलिजेंट, तो हमने यहाँ क्या लगाया? एन इंटेलिजेंट. तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर हम किसी सिंगुलर नाउन की विशेषता बताते हैं, उसके क्वालिफाई करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, तो आप वहां पे आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन एग. एग क्या है? ई क्या है यहाँ पे? अच्छा, एक बच्चा माइक ले बाघ वाला से, GIC बाघ वाला. आप यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे हमने अ फैन, आंट एन एग क्यों लिखा है? कौन बच्चा बताएगा? तभी पता चलेगा कि आपको समझ में आया है. अमन यादव, आप बताएं. वेरी गुड. यस मैम. अमन, यहाँ पे हमने एन एग क्यों लिखा? यहाँ पे अ एग क्यों नहीं लिखा? ई वॉवल है, ये तो सही है बच्चे. आपको अभी क्या बताया था कि क्या देखना है? आपको साउंड देखना है, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे एच ओ एन ई एस टी लिख रही हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा अमन? एन. एन ऑनेस्ट. वेरी गुड. क्योंकि यहाँ पे साउंड देखना है आपका. साउंड किसका आ रहा है? वॉवल साउंड आ रहा है, ठीक है बेटा. वेरी गुड. इसको क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट. ऑनेस्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट. क्लियर? वेरी गुड अमन. ऑनेस्ट. एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट गर्ल. क्लियर? अमन, यहाँ पे अ डॉग क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि इसमें वॉवल नहीं है, फर्स्ट लेटर वॉवल. वेरी गुड. साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड. क्लियर? वेरी गुड अमन, वेल डन, कीप इट अप. जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अगर मैं बोलूंगी ही इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव. वेरी गुड. क्योंकि ये किसके बारे में बता रहे हैं? बॉय के बारे में बता रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ही इज अ गुड बॉय. वेरी गुड अमन, सिट डाउन, टेक योर सीट. थैंक यू. नेक्स्ट पॉइंट इज ए एंड एन इज यूज्ड फॉर सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर्स. अब ए और एन को हम कहाँ यूज करते हैं? क्वांटिटी के लिए भी यूज करते हैं. मात्रा कहते हैं ना हम किसी चीज को, वेट करते हैं, या कहते हैं ना अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो यहाँ पे क्या है? मात्रा और नंबर्स के लिए भी हम किसको यूज करते हैं? ए और एन को यूज करते हैं फॉर क्वांटिटी एंड नंबर्स. क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल. अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ 100 रुपी नोट. नंबर्स के लिए आप बोलते हैं ना कि आई हैव अ 100 रुपी नोट, बोलते हैं ना आई हैव. एन थोड़ी बोलेंगे, एच क्या है आपका? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो हम बोलेंगे आई हैव अ 100 रुपी नोट. दिस इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, तो अ मिलियन, अ 100 नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं. अब अमन को छोड़ के कोई और बच्चा जो है टेक द माइक, GIC बागवाला से और कोई बच्चा माइक ले और यहाँ पे बताएं कि आई हैव अ पेन, तो अ पेन किसका साउंड आ रहा है? वोवल साउंड आ रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है? यस. व्हाट इज योर नेम? अमित यादव. अमित यादव. माय नेम इज अमित यादव. अमित यादव. अमित, यहाँ पे बताएं आई हैव अ पेन, हमने यहाँ पे क्या यूज करा है बेटा? अ पेन. तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? पेन में किसका साउंड आ रहा है? वॉवल का साउंड आ रहा है. तभी तुम शैतानी कर रहे थे ना अभी अमित, इसीलिए आपकी समझ में नहीं आया. ई का कहाँ से आ रहा है? आप तो पहले बोलो इसको पेन बोलो. अच्छा अमित, बोलो इसको पेन. पी पेन. हाँ, तो किसका साउंड आ रहा है? वॉवल तो ए ई आई ओ यू होते हैं.
पेन पी का आ रहा है ना आपको, ई ई का कहाँ आ रहा है बेटा साउंड? ई का तो तब आएगा बच्चों जब हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं एग एलिफेंट, तब आ रहा है ई का अपना साउंड आ रहा है। यहाँ पे तो प का आ रहा है ना पी का, और पी क्या है आपका कॉन्सोनेंट है अमित। फिर से यस बोलो पेन, यस मैम, पेन बोलो, पेन पेन पेन, तो किसका पेन साउंड आ रहा है आपको? पी का वेरी गुड। और पी क्या है आपका वोवल है बच्चे? वेरी नो गुड, पी नो आपका मैम, वोवल नहीं है। हाँ वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? अ पेन, क्योंकि यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर? अब आप मेरे को वोवल बताओ, कौन कौन से वोवल होते हैं? वोवल्स फाइव बताए ना ए अभी। वेरी आई ओ गुड, ए, ए आई ओ यू वेरी गुड। अब समझ में आ गया, यहाँ पे ई का प्रोनंसिएशन नहीं हो, ई का साउंड नहीं आ रहा, यहाँ पे किसका आ रहा है बेटा? प का, पी का आ रहा है, पी। पेन। ठीक है बेटा, पेंसिल, यस अ मैम, पेंसिल। ठीक है, वेरी गुड अमित, गुड ट्राई, सिट डाउन। अब दूसरे बच्चे को देना, तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड। शी इज एन आर्टिस्ट, शी इज एन आर्टिस्ट। अब यहाँ पे एन आर्टिस्ट कौन बताएगा यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का या वॉवल का? वेरी गुड, बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, डीआईसी भागवाला, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अंकित कुमार। अंकित, अंकित यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है आपको? एन आर्टिस्ट, बवल वेरी गुड। यहाँ पे क्या है? आर्टिस्ट, अ का आ रहा है, ए का आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। वोवल, वोवल साउंड। नेक्स्ट में किसका आ रहा है बच्चों? आई बॉट एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, यहाँ पे भी किसका साउंड आ रहा है बेटा? वोवल, वेरी गुड, वेल डन। क्योंकि ए और यू क्या है आपके? वॉबल है। शी गेव मी एन ऑनियन, ओ क्या है आपका? वॉबल है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी किसका साउंड आ रहा है? वॉबल का साउंड। अब दूसरे बच्चे को देना बेटा, डू यू हैव अ बुक, तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है बच्चे? अ बुक। बी का साउंड आ रहा है ना, बी का, बी क्या है आपका? वोवल है बेटा? तो मैम नो। तो किसका साउंड है यहाँ पे? कॉन्सोनेंट साउंड। वेरी गुड, टेक योर सीट बेटा। तो आपको हर जगह क्या देखना है बच्चों? साउंड देखना है कि वोवल का साउंड है या कॉन्सोनेंट का साउंड है। वोवल का साउंड मीन स्वर, राइट? और व्यंजन कॉन्सोनेंट, हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज, अब यहाँ पे बच्चों कुछ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है, ए और एन। अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया कि ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं। सारे बच्चों की समझ में आ गया? हैंड रेस करके बताएं, सारे बच्चों की समझ में आ गया है ए और एन कहाँ यूज करते हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी आंसर पूछेंगे, जो सबसे पीछे बैठा है ना बेटा उससे पूछेंगे, बच्चा जो सबसे पीछे बैठा है। एनीवे अभी बच्चों हमने पढ़ा था कि ए हम कहाँ लगाते हैं, जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आता है। क्लियर? एन कहाँ यूज करते हैं? जहां पे हमारा आता है वोवल साउंड। क्लियर? अभी हमने ए और एन पढ़ा है, और ए और एन क्या होते हैं बच्चों? हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल क्लियर? अ लैम्प, अ डोर, अ हाउस, अ बैग, अ टोमेटो।
तो ये क्या है सारे बच्चों जो हाईलाइट करे हैं ये सारे क्या है हमारे कॉन्सोनेंट है। दूसरा देखेंगे हम एन वोवल साउंड, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, सारे क्या है बच्चों आपके वोवल्स हैं। अब एक एक बच्चा करके जो है टेक द माइक एंड टेल मी द आंसर। अब यहाँ पे क्या बनी है बच्चों कार, क्या बनी हुई है यहाँ पे कार, तो कार के आगे आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, कौन बच्चा बताएगा? गर्ल्स लो टेक द माइक, यहाँ पे कार के आगे क्या यूज करोगे, ए और या एन? जिनको आता है वो टेक द माइक। यस, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज हर्ष तिवारी। हर्ष, हर्ष बताओ बेटा यहाँ पे क्या आएगा, एन कार आएगा या अकार आएगा? वेरी गुड, अकार। वेरी गुड, एरोप्लेन के आगे क्या आएगा हर्ष? ए। क्यों आएगा ए? एन। अब ऐसे सुन के नहीं कहते बेटा, आप बताओ यहाँ पे एन क्यों यूज करा हर्ष? मैम वोवल। वोवल, वेरी गुड, कंफ्यूज मत करो और बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंटली आंसर दो, ठीक है? वेरी गुड हर्ष, एन एरोप्लेन, क्लियर। अब दूसरे बच्चे को दो हर्ष, गिव इट टू द नेक्स्ट। यहाँ पे बताओ बच्चों, यस, व्हाट इज योर नेम? दिव्यांश। यस मैम। दिव्यांश बताओ यहाँ पे क्या आएगा, अ पैरेट या अन पैरेट? मैम ए पैरेट। वेरी गुड, बेबी के आगे क्या आएगा? मैम ए बेबी। वेरी गुड, क्यों आएगा ये पता है ना बेटा दिव्यांश? यस मैम, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, क्लियर, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, अ डॉल। यहाँ पे बताओ हैट के आगे क्या आएगा? वेरी गुड, अच्छा एग के आगे क्या आएगा दिव्यांश? एन एग। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका एन एग, ही इज योर वोवल। अब यहाँ पे सब देख रहे हैं कि यहाँ पे किसके लिए यूज करें हम, सिंगुलर नाउन के लिए यूज करें, एक चीज के लिए यूज करें, ठीक है? सिंगुलर नाउन के लिए, किसके लिए यूज करें हम? सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स वन, सिंगुलर नाउन। वेरी गुड, अब एक बच्चे को और दो, किसी और को दो बच्चे। दिव्यांश, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सॉरी गौर। सॉरी, यहाँ पे बताओ बेटा यहाँ पे रैबिट के आगे क्या आएगा सॉरी? एन। ए एन क्यों आएगा बेटा सॉरी? एन कहाँ यूज करते हैं हम, जहाँ पे कैसा साउंड आता है वोवल का, तो यहाँ पे आर इज नॉट योर वोवल, आर वोवल है सॉरी, आर कहाँ है वोवल बेटा, आप बताओ वोवल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक है? तो यहाँ पे तो रैबिट लिखा है बेटा सॉरी, और रैबिट, ठीक है? एक, चलो नेक्स्ट बताओ आप यहाँ पे एप्पल के आगे क्या लिखेंगे आप सॉरी? ए क्या है बेटा सॉरी? ए क्या है बेटा? एप्पल के आगे क्या लिखेंगे आप? मैम एप्पल के आगे मैम ए। आप कंफ्यूज कर रहे हो बेटा, ए एन, वेरी गुड, एन एप्पल। क्यों लिखा हमने एन एप्पल? क्योंकि ए इज योर वोवल, क्लियर, समझो बेटा उसको सॉरी, घबराओ मत विदाउट एनी हेजिटेशन। एलिफेंट के आगे क्या लिखोगे बेटा? ई क्या है बेटा यहाँ पे, अभी बताया आपको वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, एलिफेंट, ई का प्रोनंसिएशन आ रहा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? एन एलिफेंट। यहाँ पे आएगा अ कैट, ठीक है?
तो बच्चों ये इसको एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। श्योरी है, घर में जाके इसको रिवाइज करना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपसे आंसर पूछेंगे। जितने बच्चों ने आंसर दिए GIC बागवाला से, वेरी गुड बच्चों, कीप इट अप। तो बच्चों रिवाइज द टॉपिक एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।